प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस। और चार दिन पहले उन्होंने इलेक्शन जीता था और उन्होंने ऐलान या माइक पर कहा था इंदिरा गांधी जी ने कि हिंदू नहीं होते तो फिर से मुझे मैं सरकार नहीं बना पाती, हिंदू नहीं होते तो मैं जीत नहीं पाती। और उसके चार दिन के बाद हिंदू स्लॉटर उन्होंने करवाया और खास करके संत और महंत को उन्होंने मरवाया कि हम जाना नहीं चाह रहे, हमको भारत ले जा रहा है। पर बात तो ऐसी नहीं है ना, बात तो ऐसी नहीं है। पाकिस्तान इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग खुद हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, खुद वो आना चाह रहे हैं, खुद हमसे जुड़ करके अटैच हो जाना चाह रहे हैं। जिन्होंने कश्मीर भीख कटोरे में लिया, आज वो कश्मीर फाका कशी में है, आज वो पूरा पाकिस्तान फाका कशी में है। आज आप लोग मर रहे हैं, आपके यहाँ बिजली नहीं है, आपके यहाँ पानी नहीं है, आपके यहाँ आटा नहीं है, आपके यहाँ चावल नहीं है, आपके यहाँ शिक्षा नहीं है, आपके यहाँ कुछ नहीं है, आपके यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। आपकी सरकार अगर कुछ गलत करती है आप बोल नहीं सकते हैं। आपके पाकिस्तान आर्मी को धक्के मार कर बाहर निकाल रहे हैं। आपके पाकिस्तान के जो आप जो कह रही है कि कश्मीर जो है वो आजाद वर्ड आपने इस्तेमाल किया है कि वो आपके उर्दू में आता है, तो मैं पूछना। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज की लेटेस्ट और दमदार वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर यूट्यूबर शैला खान को, जो कि इंटरव्यू लेंगी भारत की बेटी हिंदुस्तानी शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की वकील नाजिया लाइक खान जी का, वो भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और इनका रिएक्शन बहुत ही बेबाक होने वाला है, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद जय भारत। यूएन में पिछले 76 साल में आप अपने आप को डिस्क्राइब नहीं कर पाए, आप अपने आप को डिफाइन नहीं कर पाए, आप ये नहीं कन्विंस कर पाए यूएन को कि आपने पाकिस्तान जीता है। आप नहीं बता पाए कि आपने किससे जीता है, आप तो फेल है। आपने पाकिस्तान भीख के कटोरे में लिया है और यही तय है। तो क्यों नेशन छूरी थी ना, हजारों लाखों हिंदुओं को मार डालने के लिए, स्लॉटर करने के लिए, जिसमें महंत और संत भी थे। और चार दिन पहले उन्होंने इलेक्शन जीता था और उन्होंने ऐलान या माइक पर कहा था इंदिरा गांधी जी ने कि हिंदू नहीं होते तो फिर से मुझे मैं सरकार नहीं बना पाती, हिंदू नहीं होते तो मैं जीत नहीं पाती। और उसके चार दिन के बाद हिंदू स्लॉटर उन्होंने करवाया और खास करके संत और महंत को उन्होंने मरवाया कि हम जाना नहीं चाह रहे, हमको भारत ले जा रहा है। पर बात तो ऐसी नहीं है ना, बात तो ऐसी नहीं है। पाकिस्तान इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग खुद हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, खुद वो आना चाह रहे हैं, खुद हमसे जुड़ करके अटैच हो जाना चाह रहे हैं। जिन्होंने कश्मीर भीख कटोरे में लिया, आज वो कश्मीर फाका कशी में है, आज वो पूरा पाकिस्तान फाका कशी में। आज आप लोग मर रहे हैं, आपके यहाँ बिजली नहीं है, आपके यहाँ पानी नहीं है, आपके यहाँ आटा नहीं है, आपके यहाँ चावल नहीं है, आपके यहाँ शिक्षा नहीं है, आपके यहाँ कुछ नहीं है, आपके यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। आपकी सरकार अगर कुछ गलत करती है आप बोल नहीं सकते हैं। आपके पाकिस्तान आर्मी को धक्के मार कर बाहर निकाल रहे हैं। आपके पाकिस्तान के जो आप जो कह रही है कि कश्मीर जो है वो आजाद वर्ड आपने इस्तेमाल किया है कि वो आपके उर्दू में आता है, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जब अमेरिका का सपोर्ट आपके साथ था, जब यूएई का सपोर्ट आपके साथ था, जब एक वक्त था कि पाकिस्तान जात पे और पात पे फिर भी मोहर लगेगी हाथ पे, और पार्टी ले आया राहुल गांधी फुटपाथ पे, एक और नारा लगाते थे। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शायला खान और आप देख रहे हैं मेरा खास शो डिबेट विद शायला। और आज के इस खास शो में हमें बहुत ही खूबसूरत सी पर्सनालिटी ने ज्वाइन किया है, नाजिया इलाही खान, जो कि सोशल मीडिया की कहते हैं ना एक बहुत खूबसूरत बड़ा नाम और बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है, बीजेपी की स्पोक पर्सन है। थैंक यू सो मच मैम हमें ज्वाइन करने के लिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज हम बात करेंगे आपसे कि अमित शाह जी जो हैं उन्होंने बात की है लोकसभा के अंदर दोबारा से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की, जिनको हम आजाद कश्मीर कहते हैं। दो बिल उन्होंने जी पेश किए, लेकिन सबसे जो अहम चीज थी जिसकी तवज्जो पाकिस्तान की तरफ आई वो ये थी कि 24 सीट जो है जम्मू एंड कश्मीर की असम्बली के लिए उसमें आपने पाकिस्तान के कश्मीर के लिए रिजर्व कर दी है। और बार बार उनका ये कहना है कि पीओके हमारा है, जो कि पाकिस्तान कहता है कि हमारा है। और एक दफा फिर 2024 के इलेक्शन का आगाज हो रहा है इंडिया के अंदर और पीओके को दोबारा से लोकसभा के अंदर डिस्कस किया जा रहा है, ये तमाम सवालात आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहले तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, इंडिया ने हमेशा ये कहा कि हम जंग करने वालों में से नहीं है,
हम अमन वाली बात करते हैं, तो पीओके को लेके इतनी एग्रेसिव पॉलिसीज क्यों बनाई जा रही है और पीओके को बार बार लोकसभा के अंदर क्यों डिस्कस किया जा रहा है? इब्तदाए इश्क है रोता है क्या पाकिस्तान, आगे आगे देख होता है क्या पाकिस्तान। अच्छा, अब आपने कहा कि मोदी जी ने, अमित शाह जी ने हमेशा ये बात कही है और मैं नाजिया इलाही खान भी ये बात कह रही हूँ कि हम बहुत अमन पसंद वाले लोग हैं। ठीक है, हमने अपने भारत के पार्लियामेंट के अंदर अपनी चीज को अपना बोला है। हमने पाकिस्तान के घर के अंदर घुस करके ऐसी तो बात नहीं कही है, हमने अपने भारत के पार्लियामेंट के अंदर अपनी चीज को अपना बोला। ये चैम्बर मेरा है तो मुझे आपसे अनुमति लेने की तो जरूरत नहीं है इसको अपना बोलने के लिए। लेकिन जम्मू कश्मीर की नाजिया इलाही खान एक औरत है, तो क्या मैं अपने आप को बोलूंगी फीमेल नाजिया इलाही खान? तो जब पीओके अगर पाकिस्तान का है तो आप आजाद कश्मीर क्यों बोलती हैं? क्या बात है, क्यों बोलती हैं आजाद कश्मीर? कैसे आपने ना लाहौर और कराची को आपने इतना खूबसूरत तो बनाने की पूरी कोशिश की, पर आज तक कश्मीर को विधवा क्यों छोड़ दिया पीओके को? आज तक कश्मीर में कोई तरक्की क्यों नहीं हुई? आज तक कश्मीर की माँ बहने प्रेगनेंसी के हालात में बच्चा समेत मर क्यों जाती हैं? इतने बड़े बड़े पॉट होल्स, इतने बड़े बड़े गड्ढे क्यों छोड़ रखे हैं? आजाद कश्मीर को क्यों आजाद नहीं किया, क्यों तरक्की याफ्ता नहीं किया? अब जब हमारे भारत के कश्मीर को देख करके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले जब खून के आंसू रो रहे हैं, जब उनको मलाल आ रहा है और कभी कारगिल खोलने की बात आ रही है और कभी ये कहने की बात आ रही है कि हमें पाकिस्तानी बोलो ही मत, हम सुनना भी नहीं चाहते हैं, तो फिर आपको क्या दिक्कत है? आपने तो उनको विधवा छोड़ ही दिया है, आपने तो उनको लावारिस छोड़ ही दिया है, आपने तो उनको उनको एकदम बेबहरा छोड़ ही दिया है, आपकी तो कोई चिंता नहीं है। आजाद कश्मीर कहां से? आजाद कश्मीर पाकिस्तान इलीगली ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का था, भारत का है और भारत का रहेगा। मुझे याद है, मैं तो शायद अब जन्म भी नहीं हुआ था मेरा, हमारे लता मंगेशकर जी ने एक गाना लिखा था, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। मैं आज लता मंगेशकर जी को याद दिलाना चाहती हूँ, भगवान उनको स्वर्ग नसीब करे, तो फिर भगत सिंह की मृत्यु को हम क्या कहेंगे, रानी लक्ष्मीबाई जी को क्या कहेंगे, मंगल पांडे जी को क्या कहेंगे, और ऐसे जितने भी चंद्रशेखर आजाद जी को क्या कहेंगे, सुभाष चंद्र बोस जी को क्या कहेंगे, विनायक दामोदर को क्या कहेंगे हम, इतने सारे लाखों लाख जो फ्रीडम फाइटर्स जो जिनकी मृत्यु हो गई इसी आजादी के लिए, तो बिना खड़क बिना ढाल कैसे आजादी मिल गई? बहुत खून बही है, बहुत बहुत खून की नदियां बही हैं तब जाकर के आजादी मिली है, और आपको कोई आजादी नहीं मिली है। आपने गांधी और नेहरू के तलवे में जिन्ना ने बटर लगा करके, मक्खन लगा करके, तेवर दिखा करके, उंगली दिखा करके, उनको उनको बहला फुसला करके, गांधी और नेहरू को आपने कश्मीर भीख के कटोरे में आपके जिन्ना ने ले लिया कि जिन्ना ने कश्मीर भीख के कटोरे में लिया। आज वो कश्मीर फाका कशी में है, आज वो कश्मीर, आज वो पूरा पाकिस्तान फाका कशी में है। आज आप लोग मर रहे हैं, आपके यहाँ बिजली नहीं है, आपके यहाँ पानी नहीं है, आपके यहाँ आटा नहीं है, आपके यहाँ चावल नहीं है, आपके यहाँ शिक्षा नहीं है, आपके यहाँ कुछ नहीं है, आपके यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। आपकी सरकार अगर कुछ गलत करती है आप बोल नहीं सकते हैं, आपके यहाँ अगर बलात्कार होता है महिलाएं खड़े नहीं हो सकती हैं, आपके यहाँ ह्यूमन राइट्स नहीं है, ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाया गया है, आपके यहाँ कानून नहीं है, आपने संविधान बस ऐसे ही लिख दिया है। क्या क्या लिखा था आप लोगों ने, हर सिमत मुसलमान पे छाई थी तबाही, मुल्क अपना था और गरीबों के हाथ में थी शाही, ऐसे ऐसे में उठा दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिपाही, और नारे तकबीर से दी तूने गवाही, इस्लाम का झंडा ले लिया सरे मैदान, ऐ कायदे आजम तेरा एहसान, तेरा एहसान। तो अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह बचा ले पीओके को। लेकिन देखिए, पाकिस्तान अगर जैसे हम कश्मीर की बात करें, आपने कहा उनको आजाद क्यों कहते हैं, हमारी आइडियोलॉजी शुरू से और किताबों की अगर हम बात करें तो यही रही है
कि जो पाकिस्तान के साथ कश्मीरी है वो लोग इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं, लेकिन जो इंडिया के पास है उनके पास राइट्स नहीं है। और इसी के लिए आपको पता है चार जंगें भी हुई हैं, कभी कश्मीर के नाम पे, कभी 1971 के नाम पे, कभी कारगिल के नाम पे ही होती रही है। और ये कश्मीर ही मेरे ख्याल से एक ऐसा नाम है जिसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान कभी अच्छे दोस्त नहीं बन पाए हैं। आज जब पाकिस्तान अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन को लेके, क्राइसिस को लेके, IMF प्रोग्राम चल रही है, थोड़ा वीक हो गया है, और दूसरी जानिब जो हमारा हमसाया मुल्क है, जैसे आप इंडिया से हमें ज्वाइन कर रही हैं, आप थोड़े स्ट्रॉन्ग हो गए, बल्कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो, तो एक दफा फिर से क्या जंग के लिए आमने सामने होना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी इस तरफ है और इंडियन आर्मी उस तरफ है। तो ये POK का क्या सीन है, और इलेक्शन के दौरान ही इसके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा क्यों की जा रही है पाकिस्तान से, मेरा सवाल आपसे ये है। देखिए, हमारे भारत में एक PM था भारत का, कांग्रेस की सरकार में, ठीक है, जो बेनजीर भुट्टो के दलाल और पपेट यासिन मलिक के साथ खड़ा होकर के फोटो खिंचवाता था और अपने आप को बड़ा तीसमार खान समझता था। और एक भारत का प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो 15 अगस्त और दिवाली में देश की सेना के साथ जाकर के शाना बशाना खड़ा होता है, और देश की सेना के साथ 15 अगस्त और दिवाली मनाना ही अपने लिए और अपने भारत के कर्तव्यों के का पालन करता है। 1952 से लेकर के 2018 तक भारतीयों के दिल में एक सपना था कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लाल चौक में तिरंगा झंडा लहराया जाए, हनुमान चालीसा पढ़ा जाए, और जम्मू कश्मीर की बेटियों से लेकर के हर एक व्यक्ति सुकून से रात में चैन की नींद सोए। भारत के प्रधानमंत्री ने यह सपना पूरा किया, लाल चौक में झंडा भी लहराया गया तिरंगा, लाल चौक में हनुमान चालीसा भी पढ़ा गया, लाल चौक में भारत के जीतने पर, क्रिकेट मैच जीतने पर वहां पर दिवाली नुमा एक फेस्टिवल भी मनाया गया, और हर एक कास्ट के लोगों को उनके उनके धर्मों का पालन करने की पूरी आजादी और छूट दी गई। कश्मीर डेवलप कर रहा है जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीर तरक्की कर रहा है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर इम्प्रूव हो रहा है, डेवलप हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो रहे हैं, वहां के लोग सुकून से और चैन से सो रहे हैं, और 370 हटने से पहले जितने भी मर्दों के हाथ में तलवार और गन बंदूक और पत्थर हुआ करता था, आज बच्चों के, उन्हीं बच्चों के हाथ में आज किताबें होती हैं, वही बेटियां जो अपनी इज्जत को बचाने के गर्ज से अंधेरों में छुप करके बैठी होती थी, आज पंख लगा करके उड़ रही हैं। आज वही कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिकल पावर को देख करके जब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग कैमरा के सामने और पाकिस्तानी यूट्यूबर कैमरा के सामने और पाकिस्तान के नेशनल मीडिया के सामने ये खड़े होकर के नारा लगाते हैं कि हमें हमें पाकिस्तानी पाकिस्तानी मत बोलो और हमें पाकिस्तान से मत जोड़ो, तो फिर आपका यह सवाल तो शोभा ही नहीं दे रहा है शैला जी। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को अपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह नाजिया लाइक खान जी का बेबाक और दमदार अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें उन्होंने बात की है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की, और खासकर अमित शाह जी के उस स्टेटमेंट की जो कि पाकिस्तान में बहुत जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है और जिसने पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि भारत POK की 24 सीट्स को रिजर्व करता है। जिस दिन भारत POK को वापस ले लेगा उस दिन इस 24 सीट्स पे इलेक्शंस भी होंगे जिसपे भारतीय उम्मीदवार खड़े होंगे। तो इस पूरे स्टेटमेंट के बारे में और इस पूरे इंटरव्यू के बारे में जो भी आपके विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इसी लेटेस्ट दमदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।